काफी टाइम से मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम दे चुका हूँ, कुछ एग्जाम बाकी है, और जो मैं दे रहा हूँ। एक दिन मेरे लिए खुशी की खबर सुबह में आई। एक इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया। अगले दिन मेरे को दूसरे शहर में जाना था, लेकिन क्या करें, समस्या तो अपने साथ ही चलती है। क्योंकि ये समस्या थी मेरी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत ढूंढा, यहाँ उधर उधर सब कुछ देखा मैंने, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। घर में मैं मांग नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी घर में तकलीफ है, तो घर वालों से मैं पैसे मांग नहीं सकता, और दोस्तों से भी नहीं मांग सकता क्योंकि दोस्तों से भी मैंने कई बार उधार ले चुका हूँ, अब उनको लौटा भी नहीं सकता, इसलिए मैं दूसरी बार उनसे पैसे भी नहीं मांग सकता, और अब मांगने को भी उनसे शर्म आती है, तो अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा करता हूँ बस स्टैंड तक चला जाता हूँ, कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाएगा। अब पैसे तो है नहीं मेरे पास, अब बस में जाने के लिए भी किराया चाहिए, क्या करूं? भगवान, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इंटरव्यू देने के लिए जाना था, पैसे है नहीं, ये सब आप पर छोड़ रहा हूँ, आप ही इस मुसीबत का कुछ हल निकालिए। वाह वाह, जिसको चाहिए उसे देते नहीं, और जिसको नहीं चाहिए उसको ढेर सारे पैसे दे रखे हैं।
क्या हुआ, परेशान लगते हो? तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? आप क्या मेरी मदद करोगे? आप खुद मांग के खा रहे हो। मंदिर में आते हैं और जो कुछ देते हैं अपने पुण्य कमाने के लिए देते हैं। मैं भिखारी हूं इसलिए नहीं। क्या परेशानी है ये तो मुझे बताओ। बाबा, दूसरे शहर मेरे को इंटरव्यू देने के लिए जाना है। पैसे नहीं है मेरे पास, कम से कम 500 रुपए मेरे को चाहिए। मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही मुझे मोह है। एक टाइम खाना खाता हूँ, थोड़ा कुछ बीमार हूँ, इसलिए दवाइयाँ चाहिए। ये पैसा खुद जाके शाम को मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। उससे पैसा ले लो, भगवान तेरा सब कुछ भला करे, खुश रहो। सबसे पहले जाके मैं उस बाबा को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये चमत्कार हुआ है और मैं ये इंटरव्यू पास हो गया। मेरे लिए तो वही सब कुछ है और मेरे लिए तो वही भगवान है, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करूँगा। क्या हुआ? दवाई नहीं ली इसलिए मर गए, शायद दवाई के पैसे नहीं होंगे। अच्छा हुआ मर गया भिखारी, वैसे भी किसी काम के नहीं होते भिखारी। वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पे लगाकर चला गया। किसी के लिए वो क्या होंगे वो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वही भगवान थे। ये छोटी सी कहानी दो बातें सिखाती है, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। पर भरोसा रखो, जब लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसका ऊपर वाला बनाकर भेज दे, इसीलिए मदद करो और यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी ऊपर वाला जरूर आएगा। सलाम इंडिया।